हेलो एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज हम आपको भारत के ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जो मानसिक रूप से विकलांग था, परंतु फिर भी भारत के लिए दो गोल्ड मेडल लेकर आया, जिसका नाम था राजबीर सिंह। और आप में से बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। तो 2015 में लुधियाना का रहने वाला राजबीर सिंह साइकिलिंग में स्पेशल ओलंपिक जो लॉस एंजलिस अमेरिका में हुए थे, 177 खिलाड़ियों को हराते हुए गोल्ड मेडल जीत कर लाया। परंतु इस ओलंपिक चैंपियन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से वह अपने पिता के साथ मजदूरी करने लगा और पंजाब की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़े बड़े वादे किए और आश्वासन दिए कि हम आपकी मदद करेंगे। और कहा गया कि आपको एक पॉलिसी के तहत 15-15 लाख यानी 30 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन मिला तो केवल और केवल सरकारों के खोखले वादे और झूठे आश्वासन। सब कठिनाइयां झेलने के बाद राजबीर सिंह परेशान होने लगा कि उसकी फैमिली, उसका करियर, उसकी दो वक्त की रोटी कैसे होगा ये सब, और उन्हें दिमागी दौरे पड़ने लगे। और एक महीने तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद राजबीर ने 13 जनवरी को दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और इस दौरान उनके पिता ने कहा कि इससे अच्छा होता ना खेलता, ना मेडल लाता और ना ही मरता। राजनेताओं ने केवल उसकी उपलब्धियों को रद्दी के समान समझा। एक गरीब परिवार और मानसिक तौर पर बीमार होने के बावजूद भी राजबीर ने देश के नाम दो गोल्ड मेडल जीते। लेकिन उनकी इस कामयाबी को पंजाब सरकार ने कभी नहीं सराहा और केवल मदद के लिए पॉलिसी की घोषणा करके खिलाड़ियों को गुमराह करा। अगर आज सरकार का साथ होता तो देश का होनहार खिलाड़ी हमारे पास होता, और यही अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी होता तो सरकार और उसके लाखों फैंस मदद के लिए आगे आते। परंतु हमारे देश में क्रिकेट के अलावा आज भी दूसरे खेलों पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके पीछे की वजह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमें डेली क्विज खेलने के लिए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।